डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है। और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मठाधीश में माफिया में ज्यादा फर्क नहीं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। साधु संतों ने इसे जहां धर्म का अपमान बताया है, वहीं आज मेरठ में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पर भारी पुलिस बल के बीच अखिलेश यादव का पुतला फूंकने की कोशिश की। कार में छिपाकर लाए गए पुतले को समय रहते पुलिस ने छीन लिया और वहां से भाग खड़ी हुई। कागज का एक पुर्जा जलाकर भाजपाओं को विरोध प्रदर्शन करके संतोष करना पड़ा। बाद में भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुरेश चैन ऋतुराज ने कहा कि साधु संतों पर अमर्यादित टिप्पणी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां तक राहुल गांधी द्वारा विदेशों में जाकर भारतीय सभ्यता और भारतीयों पर टिप्पणी करने का सवाल है, तो उन्हें यह शोभा नहीं देता है। उन्हें अगर कोई शिकायत है तो उन्हें अपने देश के भीतर ही यह कहनी चाहिए, भारत की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। दरअसल सुल्तानपुर में डकैती के एक आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अखिलेश यादव भाजपा की प्रदेश सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने प्रदेश को एनकाउंटर की राजधानी बना देने का भाजपा पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि जाति देखकर लोगों की एनकाउंटर के नाम पर हत्या की जा रही है। मंगेश यादव को भी केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके नाम के आगे यादव लिखा हुआ था। इसी क्रम में अखिलेश ने यह भी कहा था कि मठाधीश व माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है। इशारा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई है। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर, कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाए और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई STF। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए, और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद FIR लिखी गई, और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा है, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई, कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था? और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है, और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है।
अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। आज इसका विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कमिश्नरी पर इकट्ठा हुए और यहाँ उन्होंने अखिलेश यादव का पुतला फूंकने की कोशिश की। देखिए, बाद में भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन ऋतुराज ने मीडिया से वार्ता करते हुए यह कहा, वह भी देखिए। क्या मामला है, क्यों आज नारेबाजी हो रही है, पुतला फूंका जा रहा है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी है, जो उसके मुखिया है माननीय श्री अखिलेश यादव, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जितने भी हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववादी तो ये पूरा देश है, जो भी यहाँ निवास करते हैं वो हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुस्तान इसका नाम है। इसके अंदर अगर कोई हिंदुत्व की पहचान, पहचान क्या है, या तो भगवान है या साधु संत है। भगवान तो सब है ही, लेकिन जो साधु संत है, अगर उस पर कोई अमर्यादित बयान देगा, अगर वो उसकी तुलना माफिया से करेगा, तो इससे जघन्य अपराध तो दूसरा नहीं हो सकता। ये सब जो जितने यहाँ पर करोड़ों, पूरा देश आज व्यथित है उनकी टिप्पणी को लेकर, जो उन्होंने साधु संतों के बारे में की है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक ऐसी पार्टी है, वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है भाई। इस परिवार के अगर देखें तो पहले मुलायम सिंह यादव थे, अब उनके बेटे हो गए। कांग्रेस को देख लें, पहले नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, अब जो है राहुल गांधी हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो मूल संस्कृति की पार्टी है और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बनी है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका कितना बड़ा कद हो, चाहे वो कितना बड़ा हैसियत वाला व्यक्ति हो, अगर वो साधु संतों पर अमर्यादित बयान देगा और अगर उनकी तुलना वो माफिया से करेगा, अब बताइए, जो हमारे श्रद्धा के प्रतीक है, जिनके हम चरण स्पर्श करते हैं, जो हमें दिशा देते हैं, जो हिंदुत्व के लिए आगे आकर अपने प्राण नौछावर करते हैं, आज अगर उस पर इस प्रकार की गैर स्तरीय अगर कोई टिप्पणी की जाती है, तो सभी को, आज ये युवा मोर्चे के यहाँ पर हमारे सभी यहाँ पर जितने आए हैं, जो हमारे महानगर अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं, ये सब इसीलिए आए, ये व्यथित है, ये उसका पुतला उन्होंने फूंका है। उन्होंने सब इसीलिए किया है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अगर हम हिंदुत्व के किसी भी व्यक्ति पर, अगर किसी भगवान पर, किसी साधु संत पर कोई भी गैर टिप्पणी करेंगे, तो उसे किसी भी हालत में सहन नहीं की जाएगी। अभी मंत्री जी, संजय जी, उन्होंने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि देश के जो है माहौल खराब कर रहे राहुल गांधी, और उन्होंने ये कहा है कि आतंकवादी के साथ भी राहुल गांधी कभी भी खड़े हो सकते हैं, क्या कहना? ये तो उनके, आप देखिए विदेश में भी जाके क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। अब विदेश में जाकर तो एक ही बात कहनी चाहिए, अगर कोई बात भी है तो आप विदेश में जाके बोलेंगे, अगर अपने घर के अंदर कोई बात है तो हम घर के बाहर जाके बोलेंगे। ये भारत देश हमारा घर है, हमारा परिवार है, अगर आपको बोलना है तो आप यहाँ बोलिए, जितना बोलना बोलिए, लेकिन बाहर जाकर, दूसरे देश में जाकर अगर हम भारत की छवि को धूमिल करेंगे, इसका प्रभाव किसी एक पार्टी पर नहीं पड़ना, इसका प्रभाव पूरे भारत पर पड़ना, पूरे देश पर पड़ना। अध्यक्ष जी, पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की हुई, आप लोगों ने पुतला जो है वो आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आपको पुतला जलाने नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, हम पुलिस पर कोई, उन्होंने अपनी ड्यूटी की है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो कानून के दायरे में रहकर जो करना चाहेंगे करेंगे,
हम प्रजातांत्रिक तरीके से अपना जो विरोध प्रदर्शन करना चाहेंगे हम करेंगे, हमारे युवा मोर्चे के साथियों ने किया है। आप देखिए कितना जोश है इनके अंदर, कितना उन्माद है इस बात की टिप्पणी को लेकर। पूरे देश के अंदर अगर हम आह्वान करें तो जैसे बांग्लादेश वाली स्थिति थी उसी प्रकार से आज जो ये टिप्पणी की गई है साधु संतों पर, आप बताइए साधु संत पर टिप्पणी कौन सहन करेगा। इस खबर में लेता है, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट ऑफ टीवी। नमस्कार।